सो हे गाइस, वेलकम बैक टू चैनल। तो बहुत दिन से बहुत सारे डाउट्स आ रहे हैं इंस्टाग्राम पे, इतने सारे डीएम्स आ रहे हैं, और भैया कहाँ पर हो भाई, वीडियो नहीं आ रही, शॉर्ट्स पे शॉर्ट्स डाले आ रहे हो, हर 3 या 4 दिन में बस एक शॉर्ट डाल देते हो। तो मेरे भाई, मेरे चल रहे हैं कॉलेज में पेपर, वो भी एनसेम, 100-100 नंबर के पेपर होते हैं। जब खुद कॉलेज आओगे ना तो एनसेम बड़ी खतरनाक चीज़ होती है। तो टॉपिक पे आ जाते हैं, आज की वीडियो में हम बात करेंगे कॉमेंट के डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन पे। तो पहले पॉइंट पे चलते हैं डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के। तो सबसे पहला पॉइंट है आपका ओरिजिनल मार्कशीट, वो आपको अपलोड करनी है। अगर आपके पास नहीं है तो अपने ई लॉकर में से निकलवा के प्रिंसिपल के साइन लेके उनके PDF बना के डाल देने का, ये ऑफिशियल वेबसाइट पे ही बताया है। दूसरा जो सबसे मेन पॉइंट है एडमिट कार्ड का, कि भाई कॉमेंट के का डलेगा 12th का। तो पहली बात, यहाँ पे 12th का एडमिट कार्ड डलेगा, जो कॉमेंट के वालों ने भी बता रखा है, जो 2019 में पास आउट हैं, जो 2020 में, 2022 में, 21 वालों के लिए इन्हें कुछ नहीं कहा है। तो मे बी आपके लिए ऑप्शनल है, अगर आप नहीं डालोगे तो शायद चलेगा, बट जिन जो 19 में हुए हैं, जो 20 में हुए हैं, जो 22 में हुए हैं, उनका एडमिट कार्ड लेगा CBSE का 12th का एडमिट कार्ड। तो पहली, और कॉमेंट के का नहीं, 12th का आपका एडमिट कार्ड चाहिए उनको, तो इसकी भी PDF बना लेना। जिन जिन की PDF बना रहे हो उसका एक फोल्डर बना लेना कंप्यूटर पे। तो ये बात बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जो मैंने अपने टाइम पे कही थी, और कई सारे जो हमारे आने वाले जो आपके सीनियर्स हैं, जूनियर्स हैं, जो कर चुके हैं, कि उन्हें एक फोल्डर बना दिया था ऑफलाइन, और एक आपका यहाँ पे एक हार्ड कॉपी तो थी उनके पास, एक सॉफ्ट कॉपी थी, कंप्यूटर पे एक फोल्डर था जिसमें आपकी पासपोर्ट साइज फ़ोटो, मार्कशीट ओरिजिनल, जितनी मार्कशीट्स हैं, पैन, जो भी है, सारे ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स वहाँ पे होंगे आपके। तीसरे पॉइंट पे आ जाते हैं, बहुत लोग पूछ रहे हैं कि भैया डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कब होगा। कुछ लोगों के डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो चुके हैं, कुछ के ऑनगोइंग प्रोसेस में है, और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन जो इनका पूरा प्रोसेस है वो 18 अगस्त को ख़त्म होगा। तो ये सोचिए कि 18 अगस्त से पहले आपका वेरिफिकेशन हो जाएगा। अभी तो 18 अगस्त आने में बहुत टाइम है, 18 दिन है आपके पास, तो यार आराम से करो, कोई टेंशन नहीं है, कोई ऐसी जल्दबाजी नहीं है कि मेरे को पहले डॉक्यूमेंट अपलोड करने हैं। कई बच्चों ने इस जल्दबाजी के चक्कर में अपना नाम गलत डाल दिया, DOB गलत डाल दिया, आप उनके डॉक्यूमेंट हो सकते हैं रिजेक्ट। तो रिजेक्ट होने से अच्छा आप 3 बार देखो, नाम, मम्मी पापा का नाम, DOB अपना, स्कूल नेम, कोड, स्कूल कोड जो भी है, और इसको डॉक्यूमेंट अपलोड करने से पहले 2 बार चेक कर लो कि सही PDF अपलोड हो रही है नहीं हो रही है। 3 से 4 बार देख लो, रिजेक्ट होने के चांसेस होंगे ही नहीं। पहली बार में ही अच्छा कर दो, 4-5 या 1 हफ्ते के अंदर आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन वो हो जाएगा, ठीक है। तो इस बात का प्लीज ध्यान रखो। फोर्थ पॉइंट, कुछ बच्चों ने जो गलत इन्फॉर्मेशन भर दी है, या वो जब चेक करेंगे, जब आपकी इन्फॉर्मेशन मैच नहीं करेंगी आपके एडमिट कार्ड या 12th के मार्कशीट से, तो आपका डॉक्यूमेंट रिजेक्ट होगा, ये बात तो पक्की है। तो जिनको लग रहा है जिनका डॉक्यूमेंट रिजेक्ट होगा, घबराने वाली बात नहीं है, कॉमेंट के आपको मेल भेजेगा या आपका जो पोर्टल है वहाँ पे आपका फॉर्म वापस से आपको एडिट करने का ऑप्शन दिखेगा, तो वहाँ पे आप जाके वापस से एडिट कर पाओगे। तो अभी वेट करो, कॉमेंट के आपको बताएगा कि आपका रिजेक्ट हुआ है, अप्रूव हुआ है, क्या स्टेटस है। तो हमेशा कॉमेंट के की वेबसाइट पे देखते रहना, अपना लॉग इन करके पोर्टल पे देखना, अगर रिजेक्ट हुआ है तो वहाँ पे स्टेटस आ जाएगा रिजेक्ट, एंड देन वहाँ पे बगल में आ जाएगा एडिट करने का ऑप्शन, तो वहाँ पे जाके आप एडिट कर सकते हो, और वो आखिरी बार होगा। वहाँ पे एडिट करते समय 4 बार प्लीज़ देख लेना। इसलिए जिनने अभी तक रजिस्ट्रेशन नहीं करा या डॉक्यूमेंट अपलोड नहीं करा, मैं पहली बोल दे रहा हूँ, रिजेक्ट होने से अच्छा पहली बार में है सही डॉक्यूमेंट अपलोड कर दो। कोई भी डाउट आ रहा है यहाँ कमेंट में बताओ, इंस्टाग्राम में DM करो, या हमारा व्हाट्सएप का कम्युनिटी ग्रुप ज्वाइन कर लो हसलर्स, वो आपका एक कॉलेज ग्रुप है। ओवरऑल जितने भी बैंगलोर के कॉलेजेस हैं वहाँ पे जितने भी बच्चे हैं, CMR से हमारे पास, RV में है, BMS है, BMS IT से है, दयानंद सागर से है, जिनने पिछले साल काउंसलिंग ली थी ना, वो इस साल उसी ग्रुप में हमारे साथ वापस से जुड़े हुए हैं, उनने वो ग्रुप छोड़ा नहीं है। आपके सीनियर्स वहाँ पे हैं, मैं हूँ वहाँ पे, तो बहुत सारे लोग वहाँ पर हैं जो आपकी हेल्प कर सकते हैं। उल्टा होता क्या है, मेरे पास इतने सारे DMs आते हैं व्हाट्सएप पे, इतने सारे इंस्टाग्राम पे आते हैं, मैं उनको रिप्लाई नहीं कर पाता, तो यार एक इंसान के लिए इतना पॉसिबल नहीं है। प्लस मेरे एग्जाम्स चल रहे हैं तो मैं इंस्टाग्राम भी नहीं चला रहा हूँ, व्हाट्सअप भी बहुत कम खोल पाता हूँ यार, क्योंकि पेपर है, ऐसे पढ़ना होता है। तो आप हमारा कम्युनिटी ग्रुप व्हाट्सअप का ज्वाइन कर सकते हैं, वहाँ पे पूछ सकते हैं, वहाँ पे आपके जैसे और भी जो लोग हैं साथ में जो आपके काउंसलिंग कर रहे हैं वो भी आपकी मदद करेंगे। 200 से ज़्यादा जने हैं, तो यार 200 से ज़्यादा 250 जने हैं एक ग्रुप पे, एक पे शायद 150 है। तो मैं लिंक्स यहाँ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगा, वहाँ पर आके आप ये ज्वाइन कर सकते हो। और दूसरी चीज़, कॉमेंट के वालों के लिए भी बहुत बड़ा सरप्राइज़ है, हम प्लान कर रहे हैं उस चीज़ को, बहुत बड़ी चीज़ है। दूसरी चीज़, वीडियो की सीरीज़ आती रहेगी कॉमेंट के पे, आपका प्रेफरेंस ऑर्डर लिस्ट आएगी,
प्लस कॉमेंट के जितने भी कॉलेजेस के कैंपस टूर है ऑन फुट कवर करने वाला हूँ। नीति मीनाक्षी का अगले रिव्यू आने वाला है, नीति मीनाक्षी अगला है जिसका रिव्यू आने वाला है, ऑन फुट पूरा कैंपस टूर दिखाऊंगा और ये कॉमेंट के काउंसलिंग के अंदर ही अंदर सब कर देंगे, हम पूरी प्लेलिस्ट निकाल देंगे। चैनल को इस बात पे यार सब्सक्राइब कर दो क्योंकि कॉमेंट के से रिलेटेड जितने भी कॉलेजेस हैं, जितने भी इंक्वायरीज हैं वो सब यहाँ पे कवर हो जाएंगी। तो बहुत सारे बच्चे हैं जो मुझे मैसेज कर रहे थे, भैया अब हम क्या करें कॉमेड के, तो निकल गया हमने कॉमेड के का फॉर्म नहीं भरा। बहुत सारे बच्चों ने अभी ट्वेल्थ पास करी है, उनको बैंगलोर के कॉलेजेस में आना है, उनको यहाँ पे अपॉर्चुनिटीज़ को मिस आउट नहीं करना, ड्रॉप ईयर में उनको आना है। तो भाई केसीटी हो गया, कॉमेड के हो गया, क्या और तरीका है? वो है मैनेजमेंट कोटा। मैनेजमेंट कोटा के थ्रू आप आ सकते हैं। मैनेजमेंट कोटा के अगर आपको ज़्यादा डिटेल्स चाहिए आप मेरे को इंस्टाग्राम पे डीएम कर सकते हैं, या दूसरा तरीका है आप नीचे दिए गए फॉर्म को भर सकते हैं, वहाँ पे नाम जो भी डिटेल्स हैं अपनी बता सकते हैं, व्हाट्सएप नंबर, वो आपको कॉन्टैक्ट करेंगे, आपसे पूछेंगे आपका बजट कितना है और आपको कौन सा कॉलेज की कौन सी ब्रांच चाहिए। पहली बात, जितना अच्छा कॉलेज जाओगे, जितनी अच्छी ब्रांच जाओगे उतनी ज़्यादा फीस होगी। जैसे आरवी में सीएससी लोगे, आरवी में आईएससी लोगे, ईसी लोगे, या एमएसआरआईटी में सीएससी, आईएससी, ईसी, तो उनका जो रेट है वो बहुत ज़्यादा रहता है। अगर आप फाइनेंशियली अच्छे हो, स्टेबल हो, आप फॉरेन नहीं जा पाए, मिस आउट हो गया वहाँ पे, तो आप वो मनी यहाँ इन्वेस्ट कर सकते हो, देन इट कैन बी वर्थ इट। बट अगर आप मिडिल क्लास हो तो यार मैनेजमेंट कोटा मैं आपको प्रेफर नहीं करता, अपना माँ बाप का हार्ड एंड मनी वेस्ट करने से अच्छा, मेरे को तो भाई वो वेस्ट लग जाता है एक टाइम के बाद, क्योंकि बच्चे आते हैं फिर यहाँ पे रिलैक्स हो जाते हैं। आप आए हो, आपको हसल करना है, 4 साल एक अच्छी जॉब लेनी है कोडिंग में, यार बहुत लॉजिकल सी बात है। तो अगर आपको अपना साल वेस्ट नहीं करना, विदाउट एनी एंट्रेंस आना है डायरेक्टली इन कॉलेजेस में, देन यू कैन प्रेफर मैनेजमेंट कोटा। एंड आपकी फाइनेंशियल कंडीशन भी अच्छी है और आप अफोर्ड कर सकते हैं, देन यू कैन गो फॉर इट। जो एक और डाउट था, बहुत ज़्यादा मेन इंपॉर्टेंट डाउट था राउंड 3 राउंड 2 के बीच में, कि राउंड 2 में भैया हम विड्रॉ करके निकले तो रिफंड मिलेगा? हाँ मिलेगा। राउंड 3 में अगर हमने एक्सेप्ट करी, एक्सेप्ट करने का ही ऑप्शन होगा, राउंड 3 में विड्रॉ करने का ऑप्शन नहीं होगा। तो राउंड 3 में अगर आपको एक्सेप्ट ही करनी पड़ेगी, अगर नहीं, अगर मगर कुछ नहीं है, राउंड 3 में एक्सेप्ट होगी, सीट जो मिली है उसी को एक्सेप्ट करनी पड़ेगी, फीस देनी पड़ेगी और कॉलेज लेना पड़ेगा। तो राउंड 2 तक का आपके पास ऑप्शन रहता है विड्रॉ करने का, मतलब राउंड 2 तक आप गैम्बल खेल सकते हो, हाँ ठीक है लेना है नहीं लेना है। बट राउंड 2 के बाद अगर आपने एक्सेप्ट और अपग्रेड करने पे लगा दिया तो राउंड 3 में आप फर्दर प्रोसीड हो जाओगे, और फर्दर प्रोसीड होने के बाद आपको राउंड 3 में जो भी कॉलेज मिलेगा, जो भी, वो लेना पड़ेगा। तो प्लीज़ इस बात को ध्यान रखना कि आप अपना गैम्बल राउंड 2 तक खेल रहे हो, राउंड 2 में अगर आपने विड्रॉ कर ली तो आपकी फ़ीस रिफंड हो जाएगी। ये एक लास्ट डाउट था। मिलते हैं अगली वीडियो में, बहुत सारी चीज़ें आपके पास आने वाली हैं, पूरा कॉमेड के काउंसलिंग इसमें कवर करेंगे। और इस चैनल को सब्सक्राइब कर दो फॉर मोर इन्फॉर्मेशन। कॉलेज स्टूडेंट्स के लिए बहुत तगड़े तगड़े पॉडकास्ट आने वाले हैं, बहुत तगड़ी तगड़ी वीडियोस आने वाली है, मैंने प्रिपेयर कर रखा है उनके लिए। और आपकी काउंसलिंग से रिलेटेड सारे डाउट यहाँ पे कवर हो जाएंगे, आपका कैंपस टूर यहाँ पे कवर हो रहे होंगे। बहुत सारे कैंपस टूर ऑन फुट नहीं है, वो मैं कवर करने वाला हूँ। नीति मीनाक्षी का ऑन फुट कैंपस टूर आने वाला, बाकायदा मैं वहाँ गया हूँ, रिकॉर्ड करा है, अभी एडिट करना बाकी है उसको, तो अभी वो एडिट करके डलेगी। तो नीति मीनाक्षी का कैंपस टूर अगला है, CMR जाना है, न्यू होराइजन जाना है, बहुत सारे कॉलेजेस हैं जिनको आगे कवर करना है, वो सब मैं आपके लिए कवर करूँगा, उनके कैंपस टूर यहाँ चैनल पे आएंगे। चैनल को सब्सक्राइब कर दो। और कॉलेज स्टूडेंट्स के लिए बहुत अमेजिंग चीज़ आने वाली है, मैंने प्लान करके रखी है। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, प्लीज़ सपोर्ट बनाए रखना अगर वीडियो नहीं आ पाए, क्योंकि यार एग्ज़ाम्स चल रहे हैं, प्लीज़ 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 थोड़ा सा सपोर्ट बना रखो। जैसे एग्ज़ाम ख़त्म होंगे मैं वापस से आपके लिए सेवा में हाजिर हो जाऊंगा, आपकी सेवा में। और मिलते हैं अगली वीडियो में।